ये 17 एंड 18 क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, एस वर्मा का चैप्टर काइनेमेटिक्स। दो क्वेश्चन एक साथ ले लिया क्योंकि फर्स्ट वाला इजी है, इजी इन द सेंस कि इस तरह के दो तीन क्वेश्चन मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में 17 में क्या है। अ बुलेट गोइंग विद स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ कॉन्सेंट्रेट वॉल एंड पेनिट्रेट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, फाइंड द डीएक्सीलरेशन, फाइंड द रिटार्डेशन। मीन्स वही है हम जो बताया था पहले में, बस कुछ भी होगा, इसमें वेलोसिटी होगा, वी होगा, मतलब ये फाइनल में जीरो आ रहा है, रेस्ट पे आ रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन वर्क कर रहा है, यहाँ पे कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसमें कुछ टाइम लगा होगा, कुछ ही पूछ लेंगे, कभी डिस्टेंस पूछ लेंगे, कभी टाइम पूछ लेंगे, कभी रिटार्डेशन लगा होगा, ये पूछ लेंगे, ठीक है, तो कुछ ही पूछ सकते हैं, बस घुमा घुमा के। इससे पिछले वाले में डिस्टेंस दिया हुआ था और टाइम पूछा था, हाँ टाइम भी पूछा गया था, डिस्टेंस दिया हुआ था, फिर रिटार्डेशन भी पूछा गया था। तो यहाँ पे वही है कि 5 सेंटीमीटर ये पेनिट्रेट किया होगा इस तरह से, यहाँ पे गया होगा वेलोसिटी से, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो ही है हमारा, यहाँ पे जीरो, ये वाला जीरो है, वेलोसिटी पहले वाला भी है, तो वी को यू भी लिख सकते हैं, वो अपना मान है। तो 350 स्क्वायर प्लस 2 × 5/100 डी एक्सीलरेशन निकल गया इतना, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया, टाइम भी नहीं पूछा गया यहाँ पे, तो ये तो और ही चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, पार्टिकल था यहाँ, रेस्ट था, रेस्ट मीन्स यू इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू वी इक्वल टू, जो भी डिनोट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, 18 ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर, इसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह से अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो उसको अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर बाय पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये टोटल वैल्यू आ गया, वो होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे टाइम सेकंड में, यहाँ पे ये टाइम सेकंड में लिया हुआ है यहाँ पे ये वाला, और ये वाला किलोमीटर पर आवर में लिया हुआ है, तो यूनिट हमको सेम, हम लोग को सेम करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, फिर डिस्टेंस निकालना है, तो देखते हैं क्या किया इसमें। रेस्ट में था इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, 18 किलोमीटर पर आवर था, वी इक्वल टू यू प्लस 80 कर दिया, इससे एक्सीलरेशन निकल गया हमारा 1 m/s². उसके बाद फिर डिस्टेंस पूछा जा रहा, डिस्टेंस में क्या करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारा यू तो जीरो ही है, ये तो खत्म हो गया, जीरो ही हो गया ये पूरा टोटल, फिर हाफ ए टी स्क्वायर निकाला जा, बोला जा रहा निकालने के लिए, तो 18 ये किलोमीटर पर आवर में था ये वाला, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5/18 से, तो ये कट गया, ये कट गया, तो 5 बच गया ना, तो ये 5 आ गया यहाँ पे आंसर, मतलब वो यहाँ का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सॉरी, और टाइम भी, टाइम भी वो 5 सेकंड ही दिया हुआ है, तो टाइम कितना हो गया, ये हाफ एक्सप्रेशन 1/5² 25/2 ये हो गया आंसर, सिंपल सा। सिंपल से है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन सब, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया हमारा, कितना नंबर, ये 17 और ये 18।